हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉपर पाइप ब्रेजिंग के बारे में। तो जब भी आप वीआरएफ सिस्टम और वीआरबी सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको ब्रेजिंग करना होता है, ठीक है। तो आप जैसा कि आप सबको पता होगा वेल्डिंग और ब्रेजिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग कॉपर पाइप को जब भी ज्वाइन करते हैं तो उसको ब्रेजिंग के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। VRF का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। और VRB का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। दोनों टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। हम लोग ब्रेजिंग में खासकर देखेंगे क्या क्या ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी आप कॉपर पाइप को काटते हैं ब्रेजिंग के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमको 5 मीटर का एक लेंथ चाहिए कॉपर पाइप का, ठीक है, 5 मीटर का। तो जब कॉपर पाइप को यहाँ से आप पाइप कटर से काटेंगे तो उसमें जो बर होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कचरे टाइप का गंदा होता है, तो उसको साफ किया जाता है। तो वही प्रोसीजर वन में लिखा हुआ है, रिमूव द बर ऑन द कट सरफेस विद द स्क्रैपर। स्क्रैपर होगा आपके पास, मस्ट इन केस ऑफ ए स्मॉल डायमीटर पाइप। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एनी रिस्क ऑफ ब्लॉकिंग द इनर पाइप ड्यू टू ब्रेजिंग मटेरियल। तो ये सब कचरा जो भी आपका पाइप में होगा उसको हम लोग साफ सफाई करते हैं, ताकि जब भी आप ब्रेजिंग करें तो इनर सरफेस, यहाँ पे जब ब्रेजिंग करेंगे दो मटेरियल को, दो पाइप को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे इनर डायमीटर जो होगा यहाँ पे वो ब्लॉकेज ना हो, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉक ना हो तो उसको हमें सफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट। जब भी आप ब्रेजिंग करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ए ऑक्साइड फिल्म डेवलप्स, ओके, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पाइप ड्यूरिंग ब्रेजिंग। तो जब भी आप ब्रेजिंग करते हैं तो एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है कॉपर पाइप के अंदर। अगर आप नाइट्रोजन रिप्लेस नहीं करते हैं, अगर ब्रेजिंग करते टाइम अगर आप नाइट्रोजन नहीं डालेंगे पाइप के अंदर, तो क्या होता है कि ऑक्साइड फिल्म बनता है, जिसके वजह से आपका जो जॉइंट होगा इस तरीके से ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके अंदर ये ऑक्साइड फिल्म है, ये जो लेयर देख रहे हैं ये ऑक्साइड फिल्म है, जो कि इससे क्या नुकसान है आगे देखते हैं। द फिल्म कैन क्लॉग अमॉन्ग अदर पार्ट्स द सोलेनोइड वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, कंप्रेसर वाल्व पंप इनलेट, हैम्परिंग नॉर्मल ऑपरेशन। तो जो भी, जैसे सोलेनोइड वाल्व हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गया, कंप्रेसर वाल्व पंप हो गया, या फिर एकुमुलेटर में भी जाके फंस जाता है ये कचरा, जो जिससे हमारा कि जो एक कंप्रेसर का, एक पूरे सिस्टम का हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। कभी कभी जाके ये इंडोर यूनिट में, यहाँ पे इंडोर यूनिट में एक पीएमबी वाल्व होता है, पल्स मोटर वाल्व, फिर उसमें भी फंस जाने की वजह से हमारा पीएमबी वाल्व क्या करता है, एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट जितना आपको रेफ्रिजरेंट चाहिए वो वाल्व आपको यहाँ से देते रहता है इंडोर को, ताकि उतना कूलिंग, जितना कूलिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम ऑकरिंग, इट इज नेसेसरी टू रिप्लेस द एयर विद इन द पाइप विथ नाइट्रोजन। तो जब भी आप ब्रेजिंग करें, मान लीजिए कि ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले से एयर मौजूद है, ठीक है, पाइप के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, इस एयर को रिप्लेस करना होगा नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन फ्लो कराएंगे, नाइट्रोजन फ्लो कराने की वजह से यहाँ पे जो एयर ऑलरेडी है वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक है। दिस वर्क इज रेफर्ड एज ए नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट। तो इस वर्क को, इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस तरीके से एक सेटअप करते हैं, सेटअप द रिक्वायर्ड टूल्स एज शोन बिलो, ठीक है। आप देखो, हम ब्रेजिंग कहाँ पे कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये टैपिंग है, ये पूरा सेटअप है, नाइट्रोजन सिलेंडर हो गया, नाइट्रोजन गैस रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर भी यहाँ पे, जिसको प्रेशर रेगुलेटर भी बोला जाता है, यहाँ पे लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन सिलेंडर में बहुत ही हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने की वजह से आपको यहाँ पे एक रेगुलेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर होज लगा हुआ है, एक फ्लेक्सिबल होज लगा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर होज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाल्व है,
उस इस वाल्व से आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के प्रेशर को ओपन करेंगे, मतलब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वाल्व लगा होता है। यहाँ पे टाइपिंग है। अब देखो यहाँ पे ये कॉपर पाइप का पार्ट है, ये कॉपर पाइप का पार्ट है, यहाँ पे आप ब्रेजिंग कर रहे हैं। अब ब्रेजिंग कर रहे हैं तो यहाँ से नाइट्रो टेपर्ड नोजल, एक नोजल लगा होता है यहाँ पे, जिससे कि नाइट्रोजन इनलेट यहाँ से होगा पाइप के अंदर, और आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जो पाइप है, पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैसे एक टेप लगा देंगे आउटर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक उसमें छोटा सा होल कर देंगे। होल करने की वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन जब अब यहाँ से डालेंगे तो नाइट्रोजन ऐसे फ्लो होके यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने की वजह से आपको जो कॉपर पाइप में आप ब्रेजिंग करेंगे उसके अंदर ऑक्साइड फिल्म का डेवलप, वो ऑक्साइड फिल्म डेवलप नहीं होता है, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ये सेटअप आप देख रहे हैं, जैसे होज आया है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपर पाइप ब्रेजिंग परफॉर्म करेंगे, ब्रेजिंग इस एरिया में ब्रेजिंग होगा, ठीक है। बाद में एक टैपिंग लगाया हुआ है यहाँ पे, इस टैपिंग में एक छोटा सा पिन होल होता है, होल कर देते हैं जिससे कि नाइट्रोजन यहाँ से बाहर चला जाता है। अब कितना प्रेशर हमको मेंटेन रखना चाहिए, इट इज इवन मोर इफेक्टिव टू ओपन अप ए स्मॉल होल इन द टैप टू रिलीज द नाइट्रोजन आफ्टर कवरिंग द एंड ऑफ द पाइप विथ टेपर। जैसे कि मतलब इधर बताया था मैं, यहाँ पे टाइपिंग जो होता है ना, इस पे एक एक छोटा सा होल दे देते हैं हम लोग, ताकि नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाए। यूज ऑफ टेपर्ड नोजल रिजल्ट इन एफिशियंट रिप्लेसमेंट। टेपर्ड नोजल हम लोग लगाएंगे ताकि जित प्रेशर के हिसाब से कितना आपको नाइट्रोजन डालना है, यहाँ पे ऑलरेडी वाल्व भी होता है, ठीक है। वाल्व से टेपर नोजल में यहाँ से पाइप में जाएगा, फिर यहाँ पे आप टैपिंग लगा के पिन होल कर देंगे, ठीक है। एंड एडजस्ट द नाइट्रोजन गैस प्रेशर अप टू, यहाँ पे प्रेशर कितना मेंटेन करना है आपको, 0.02 MPa गेज, जो कि अगर इसको PSI में आप चेंज करेंगे तो 2.9 PSIg होता है, मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच ये गेज होता है, ठीक है। तो आपको मेंटेन करना है 2.9 PSIg, इस प्रेशर को आप मेंटेन रखना है नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और कम प्रेशर नहीं देना है। तो जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि 2.9 PSI 3 PSI हो गया है, जब भी आप टैप लगाते हैं ना, टैपिंग, तो टैपिंग लगाने के बाद जो पिन होल होगा, पिन होल पे आप हाथ रख के फील करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन निकल रहा होता है नॉर्मल प्रेशर से, तो आप उतना ही प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे गेज भी लगा होता है, तो गेज में पता चल जाता है कि कितना प्रेशर हम आप रिलीज कर रहे हैं वहाँ से। उसके बाद इफ नाइट्रोजन प्रेशर इज टू हाई, इट मे कॉज द ब्रेजिंग फिलर मटेरियल शोल्डर, जो शोल्डर शोल्डरिंग रॉड यूज करते हैं, नॉट टू रीच कम्प्लीटली अराउंड द पाइप और पिन होल टू डेवलप इन इट। मेक श्योर डैट द प्रेशर इज नॉट एक्सेसिवली हाई। अगर आप ज़्यादा हाई प्रेशर में यूज करेंगे, तो जैसे आप ब्रेजिंग कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं, तो अब जो फिलर रॉड होगा, ठीक है, शोल्डर होगा, उसको पाइप के अंदर तक जाना चाहिए ताकि जो भी ज्वाइन है उसको कंप्लीट कर सके। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा नाइट्रोजन का, तो वो क्या करेगा कि फिलर मटेरियल अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा, फिलर मेटल जो होता है। यूज ऑफ नाइट्रोजन विथ प्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 99.99%। अब ये रिकमेंडेड होता है कि आपको नाइट्रोजन किस तरीके का नाइट्रोजन यूज करना है, तो जो नाइट्रोजन होना चाहिए आपका 99.99% प्योर होना चाहिए, जिसको हम लोग फूड ग्रेड नाइट्रोजन, अगर आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको बोलना होगा फूड ग्रेड नाइट्रोजन चाहिए। फूड ग्रेड नाइट्रोजन जो होता है 99.99% प्योर होता है, तो ये रिकमेंड किया जाता है आपको ब्रेजिंग के लिए। बी श्योर टू नोट दैट यूज ऑफ लेसर प्योरिटी नाइट्रोजन में लाइकली रिजल्ट इन ऑक्साइड फिल्म। अगर इससे कम प्योरिटी होगा नाइट्रोजन का, तो आपको ऑक्साइड फिल्म बनने का फिर से चांस रहेगा। तो कोशिश करें आपकी एटलीस्ट 99.99% प्योर नाइट्रोजन आप इस्तेमाल करें। जैसा कि आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट, अब विदाउट नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट इसने क्या किया, आप ब्रेजिंग किया, तो आप देख रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। और नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट करने के बाद आप इनर सरफेस देख रहे हैं कितना कंप्लीट है। ये तो हो गया, मैंने किसी बुक से लिया है, मैंने एक प्रैक्टिकल ऑन साइट किया है, उसका मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने एक ब्रेजिंग किया यहाँ पे कॉपर पाइप का, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेजिंग किया, एक ब्रेजिंग किया मैंने विदाउट नाइट्रोजन और एक नाइट ब्रेजिंग किया हमने नाइट्रोजन पास करके। तो जब हमने विदाउट नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट ब्रेजिंग किया तब आप देख रहे हैं जॉइंट काट के हमने देखा, जॉइंट काटने के बाद हमें पता चला कि इसमें बहुत सारा ऑक्साइड फिल्म यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और पाइप ब्रेजिंग किया नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट के साथ, तब फिर जॉइंट को हमने काट के देखा, तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन के रिप्लेसमेंट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप पाइप ब्रेजिंग करें, स्पेशली VRF सिस्टम में, जब भी आप VRF या VRV सिस्टम में ब्रेजिंग करें तो आप टेक्नीशियन को जरूर एज एन इंजीनियर आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा कि विदाउट इसके नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट के ब्रेजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रेजिंग होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में वैक्यूम करते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन टेस्टिंग करते हैं। ये तो नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट हो गया, नाइट्रोजन टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि लीकेज का पता चले। अब वो नाइट्रोजन टेस्टिंग कितना पे किया जाता है, नॉर्मली आप मान लो 550 PSIG से 600 PSIG पे किया जाता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है, डिस्चार्ज प्रेशर VRF सिस्टम में वो फॉर एग्जांपल 380 PSI से 450 PSI तक पहुंच जाता है गर्मी के दिनों में, जब हाई जून जुलाई के मौसम में जब हाई टेम्परेचर होता है, जैसे बाहर के टेम्परेचर बढ़ने से सिस्टम का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाता है। और सक्शन प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर VRF सिस्टम में 125 PSI से 135 PSI तक होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में, फिलहाल मैंने ब्रेजिंग के बारे में आपको डिटेल में बता दिया कि ब्रेजिंग कैसे करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।